ठीक है, अखबार भरे पड़े हैं, अखबारों को झूठा कर दिया, आप सबको झूठा बता दिया। जनता जो लाइन में लगी हुई है और जो टोकन से मिल रहा है, जिसको ये खाद मिल रही है, वो सारे झूठे हो गए, वो तो सारे झूठे बन गए। जो औरतें जो लाइन में लगी हुई हैं, सुबह सुबह 2 बजे से लेकर रात तक जो लगी हुई थी लाइन में बहल के अंदर, इनके मंत्री के इलाके के अंदर, वो सारे के सारे झूठ है। वो लोग ही झूठ सारे झूठे बना दिए और कहते हैं कि कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं। आज जो है जिस तरह से हालात हो गए हैं, किसान का जो है वो तो बर्बादी कर ही दी है पूरी तरह से। अब जो है विधानसभा में मैंने एक बात और उठाई, इसवायल का मुद्दा मैंने उठाया था, पानी का। गर्मी में गर्मी शुरू हो गई है, बात देखना पानी का क्या हाल होगा यहाँ पर। इसवायल के मुद्दे के लिए 100 करोड़ रुपए जो है ये अलग से पिछले 7 साल से डालते आ रहे हैं, 7 साल से 100 करोड़ रुपए अलग करते हैं। अब वो 100 करोड़ का मैंने पूछा विधानसभा में कि आपने 100 करोड़ रुपए तो रख दिया है, पर ये 100 करोड़ का क्या फायदा? इसवायल नहर 100 करोड़ से तो आएगी, उसका भी जो है आपने लेखा जोखा आपको बजट में देना चाहिए था, नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा। खुल के मैं बोली विधानसभा के अंदर, आपने सारा सबने देखा है। अब इसको जो है मुद्दा बनाएंगे, समझ गए, अब इसको मुद्दा बनाएंगे। उपवास बीच के अंदर जब है कोविड से ध्यान भटकाना था, तब जो है मुद्दा बनाया था, उपवास करा जा रहा, उपवास कर रहे मंत्री, हाँ, और वो भी झूठा उपवास पूरी तरह से। एक दिन कम से कम बगैर खाने के ही बैठ जाते, वो भी नहीं, खाना खा के फिर दिखावा कर रहे हैं उपवास का। किसके खिलाफ उपवास कर रहे हैं? केंद्र में सरकार आपकी है, यहाँ पर सरकार आपकी है, डबल इंजन सरकार है बीजेपी की आज, तो किसके खिलाफ आप उपवास कर रहे हो? लोगों को इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात। और फिर आखिरी में जाके केवल जात पात के ऊपर लेकर आ जाएंगे लोगों को बांटने के लिए, और जनता को पता नहीं समझ आती है, इस बात की नहीं आती। ये मेरे ख्याल में पूरी तरह से जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब फिर बहुत देर होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अधिकार जताया कि चंडीगढ़ चुनाव, हरियाणा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग है। देखो ये सारी चीजें जो है आज अहम मुद्दे क्या है, महंगाई अहम मुद्दा है, पानी अहम मुद्दा है, रोजगार यही है ना, ये मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई कोई मांग करता रहे, ये सारे ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। ये खाली राजनीतिक मकसद से ये ध्यान भटकाने वाली बातों को करा जाता है, ताकि असली जो मुद्दे हैं जिससे लोग त्रस्त हैं, आज व्यापारी त्रस्त है पूरी तरह से। विधानसभा में मैंने ये बात कही, मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है मर गया बिल्कुल, उसके पास कुछ रहा नहीं है कि तुम उसको राहत पैकेज दो। नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहा है, उसके जो है पेपर लीक हो रहे हैं, उसके मोटे मोटे अटैचियों से जो है उसको नौकरियां मतलब जो देने लायक है उसको नौकरी मिलती है, बाकियों को मिलती नहीं है। महंगाई जो है इतनी जबरदस्त एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, पेट्रोल की है, डीजल के दाम जो है, अगर आप महंगा भी ले रहे हो तो सरकार को का दायित्व होता है कि जनता की जेब जो है वो ना काटी जाए, जनता को राहत दी जाए, लेकिन ये सरकार तो मुनाफा कमा रही है। सो ये इस तरह के जो ये जो है ये सारे बयान और ये सारे बयानबाजी होती है, जो ये सारा ध्यान भटकाने की बात है, जनता को ये बात समझ आनी चाहिए। जनता के साथ जो सरोकार वाली बात है वो उसके ऊपर कोई भी काम नहीं है। नवरात्रों में गोचरखाने या जितने भी नॉन वेज शॉप थी ओपन कर रही थी, हरियाणा में भी मांग उठी है, क्या किस हिसाब से देख रहे हैं? मैं बता रही हूँ ना आपको, ये मांग जो है हरियाणा के अंदर हम उठा रहे हैं, महंगाई की हम उठा रहे हैं, पानी की हम उठा रहे हैं, ये बेरोजगारी की, ये मांग क्यों नहीं करते आप पूरी? देखो ये प्रजातंत्र है और जनता जो है, जनता जनार्दन जो है वो सर्व, जनता ने जो जिसको लेके आना है जनता लेकर आई, जनता ने देखना है। हाँ ये बात है कि मैं तो ये समझती हूँ कि आने वाले समय में जो भी नेतृत्व करेगा अपने इसका, चाहे जो भी है, उसको ईमानदार होना पड़ेगा, उसको जात पात से दूर होना पड़ेगा, बेदाग छवि का होना पड़ेगा, तभी आगे काम बनेगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं, तो ये इसी तरह से हालात बुरे बद से बदतर होते हैं। को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप सुने तो सभी जो कांग्रेस नेता वो राहुल गांधी जी सुने रहे, उसके बाद कहा जा रहा है कि संगठन में बड़ा बदलाव होगा, किस प्रकार का बदलाव होगा? कौन कह रहा है बदलाव हो रहा है? कहीं बदलाव नहीं हो रहा, संगठन में बदलाव तो बहुत पहले हो चुका है,
अब और किस बात का, आप तो बॉडी बनने हैं बाकी है। जो एग्ज़ाम है पिछले 2.5 साल से भर्तियाँ लटकी हुई हैं, CET लगा लो या कोई भी भर्ती नहीं हो रही है, नहीं और जो भर्तियाँ होती हैं उनमें पेपर लीक की और जो सारी चीज़ें तो उसको लेकर क्या रहेगा। ये विधानसभा में बहुत जोर शोर से इस बात को उठाई थी मैंने, ये जो हैं भर्तियाँ जो हैं पेपर लीक हो रहे हैं, पैसे दे के जो है सारा कुछ सिलसिला चल रहा है, तो जो बेचारा बच्चा जो है कितना ज़बरदस्त मानसिक तरीके से उसको प्रताड़ित करा जा रहा है, पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है, एक एक पैसा बचा बचा के माँ बाप उसको जो है उस स्तर तक लेकर आते हैं और फिर पेपर लीक होते हैं और मोटी मोटी अटैचियों के जरिए जो है जो पैसा दे सकता है वो लगते हैं, तो इससे ज़्यादा और शर्म से डूब मरने के लिए हमारे प्रदेश के लिए और क्या होगा। आज हम प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर हैं बेरोजगारी के अंदर, CMI की जो रिकॉर्ड निकाल के देख लो उसका जो है 37% के ऊपर जो है हमारा जो है बेरोजगारी दर पहुँच चुका है, इसका मतलब हर तीसरे घर के अंदर ये हालात हो रहे हैं। 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, आपकी तरफ से क्या मुद्दे क्या एजेंडे उठाए जाएंगे? 5 तारीख को अभी तो पक्का तय हो गया जी, हो गया जी, फाइनल हो गया। कब क्या हुआ है? अभी 5 तारीख को बुलाने का आज कैबिनेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई है अभी हां, तो 5 तारीख को विशेष सत्र बुलाया 11 बजे वो एसी के ऊपर जो हरियाणा वाले चंडीगढ़ के मामले, तो देखो ये फिर से वही बात आ गई, ये पूरी राजनीतिक बात है, अब इसको ये मनाने की चक्कर में रहेंगे। सच्चाई ये है कि चंडीगढ़ जो है वो बराबर से हरियाणा का भी है और उनका भी है, और ये किसी के कहने पर किसी के पास जाने वाला नहीं है, समझिए अब जो है किसी के पास जाने वाला नहीं है, समझिए अब जो है वो कुछ कहेंगे यहाँ से सत्र बुलाया जाएगा यहाँ से वो होगा, ये सारे के सारे असली ध्यान भटकाने वाले मुद्दों से आपको परे लेके जाने वाली बातें हैं, सच्चाई ये है और कुछ नहीं। विधानसभा के अंदर हम भी पारित कर देंगे, कुछ होना थोड़ा है, आप समझ रहे हो, ये तो सब बेकार की बातें, जनता को समझना चाहिए कि किस तरह से ये राजनीतिक लोग जो है आपका मूर्ख बना रहे हैं। मामले की शुरुआत लेकिन पंजाब से की गई थी, इस मामले को लेकर 4 रोज पहले मामले की शुरुआत पंजाब से की गई थी, पंजाब ने पहले तो वही है सत्र में हम भी वही रेजोल्यूशन पास कर देंगे और क्या होगा, उसमें इसी के लिए बुला रहे हैं वो, उसके अंदर तप तप हो जाएगी, असलियत तो जो है सब जानते हैं कि ना उन्होंने मांग करी है ना उनको मिलने वाला है और ना कहीं हरियाणा से चंडीगढ़ जाने वाला है, ये तो बेकार की बात है, कहीं नहीं जा रहा चंडीगढ़ हरियाणा। हरियाणा के कृषि मंत्री अब दिल्ली के मुख्यमंत्री से पानी की मांग करते हैं, SYL का पानी वो दिलवाएं क्योंकि दिल्ली को भी पानी की जरूरत है, हरियाणा से होकर दिल्ली पानी जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री अच्छा होता अगर मोदी जी से बात कहते और कहते कि आप हमारे को पानी दिलवाओ, पंजाब तो हमारे पंजाब और हमारे उनके बीच में तो लड़ाई है, केंद्र में सरकार आपकी है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया, यहाँ भी आपकी सरकार है, तो आप लेते आओ, कौन मना कर रहे हैं, कौन मना कौन कर रहा है, इसको राजनीतिक रोगियां मत सीखो, इसके ऊपर जनता को बेवकूफ मत बनाओ, जनता की आंखों के अंदर आंसू मत लेकर आओ, अच्छा नहीं होगा आने वाले समय। चौधरी बंसीलाल ने SYL की पहल की, क्या बंसीलाल परिवार की तरफ से कोई प्रखरता से इस मुद्दे को दोबारा से उठाया जाएगा, हालांकि लगातार आप उठाती है इस मुद्दे? मैंने तो जिस दिन से मैं आज ये 16 साल हो गए मुझे हरियाणा की राजनीति 18 साल हो गए हरियाणा की राजनीति में प्रवेश कर, बेमन से मैं ये बात कहती हूँ, लेकिन सच्चाई भी मैं कहती हूँ साथ ही साथ कि SYL नहर चौधरी बंसीलाल जी ने जो निकाली थी दक्षिण हरियाणा को सिंचित करने के लिए, सारा काम पूरा कर दिया था, पैसा उसका दे दिया गया था, हरियाणा की तरफ से पूरी नहर खुद गई थी, सारा कुछ हो गया था, उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने उसके ऊपर राजनीति करी और आज SYL नहर जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है, अब ये खाली चुनाव के समय पर या ध्यान भटकाने वाले समय पर ये बातें जो हैं बार बार उखर के आएंगी, कभी SYL आएगी, कभी हरियाणा चंडीगढ़ आएगा, कभी कुछ और आएगा, सच्चाई ये है कि असलियत के अंदर आज जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है,